जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। कुछ ऐसा ही देखने को मिला था कानपुर में, जब देखते ही देखते मौसम ने अपना मिजाज बदला और हौसलों ने अपनी रवानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। जी हाँ, जो इस मंजर में शामिल थे वो एक दूसरे को देखकर अपने लीडर पर गर्व महसूस कर रहे थे, और जो बाहर से उन्हें देख रहे थे वो उनके हौसले और जज्बे को सलाम कर रहे थे। ये लोग थे जिनके आगे शायद ऊपर वालों के नुमाइंदे भी नहीं चल रही थी। हम बात कर रहे हैं कानपुर में होने वाले बहुजन मुक्ति क्रांति के SC ST OBC और माइनॉरिटीज भाईचारे के सम्मेलन की, जो 23 सितंबर को था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शरद पवार को आना था, लेकिन वो नहीं आ पाए और कार्यक्रम की अध्यक्षता बहुजन मुक्ति मोर्चा के संस्थापक वामन मेश्राम ने की। सम्मेलन में अनेक संगठनों के अध्यक्षों ने शिरकत की थी और अपने अपने विचार रखे थे, और सभी ने यही कहा कि आज का समय एक साथ एक मंच पर आने का है, क्योंकि सामने वाला दुश्मन ताकतवर है और उससे जीतने के लिए हमें एक होना हमारी जरूरत है। कार्यक्रम में सबसे अंत में जब वामन मेश्राम सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी अचानक से बारिश शुरू हो गई। बारिश से लोगों के बीच एक हलचल सी शुरू हो गई। जो लोग पांडाल से बाहर थे वो स्वयं को बचाने के लिए इधर उधर जाने लगे, लेकिन जो लोग कुर्सियों पर बैठे थे और अपने नेता को सुन रहे थे वो तनिक भी विचलित नहीं हुए। तभी उनके नेता जी ने एक आग्रह किया कि जिन कुर्सियों पर आप बैठे हैं उनको अपने सिर के ऊपर रख लो। बारिश थोड़ी देर की है, लेकिन अपना संघर्ष बहुत बड़ा है। उनका कहना भर था कि इधर पब्लिक का मंजर ही बदल गया, सभी की कुर्सियां उनके सिर पर थी और उनका ध्यान सिर्फ अपने नेता की बातों पर था, और बारिश के हौसले पस्त दिख रहे थे। सही कहा गया है, कोई भी आगे तब बढ़ सकता है जब उसके समर्थक उस पर पूर्ण विश्वास करते हो। मौसम ने तो ठान ही ली थी कि अब इस भाईचारा सम्मेलन के उद्देश्य को बीच में ही खत्म कर देगा, लेकिन सुनने वालों के अधिक साहस के सामने मौसम को भी हार माननी पड़ी। आज की हमारी खास पेशकश में बस इतना ही, और हाँ, नई नई जानकारी और ताजा तरीन खबरों की सच्चाई को जानने के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज कबीर न्यूज, और हमारा समर्थन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल कबीर न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।